सबसे पहले एक बात उस पूर्णमल के इतिहास से कि जिस समय उस पूर्णमल को भौरे से निकाला जाता है तो उसके पिता सुलेभान कहने लगे कि बेटा तू सबसे पहले अपनी मौसी नूना दे के दर्शन के लिए जा। अपने पिता की आज्ञा को पा करके वो पूर्णमल अपनी मौसी के महल में चला जाता है। उसकी मौसी उस पूर्णमल को देख के उस पर मोहित हो जाती है। सजनो उस पूर्णमल का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी कि पूर्णमल तू कौन से ढंग में मैं भरी रंग चाओ उमंग में और मेरी तेरे पिता के संग में जोड़ी ना मिलती। के पूर्णमल तू मुझसे शादी कर ले। देखिए तन्ने भी इस बात का बेरा है कि तेरे पिता की बूढ़ी अवस्था और मेरी जवान अवस्था तू मेरे से शादी कर ले। उसकी बात सुन के वो पूर्णमल अपनी मौसी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उस मौसी को अपनी मौसी को समझाने लग जाता है। क्या कहता है एक बात के द्वारा सुनिए। देखे तू मेरी मौसी है और मौसी का अपनी बहन के लड़के पे उसकी मां जितना हक होता है और तू देखे मेरे तक इश्क लड़ाना चाहो है तेरी डूब मरण की कार है मौसी। हाथ छुड़ा लेता है। कैसे पहली कली में क्या समझाता है। मौसी का दर्जा मेरे पे तू इश्क लड़ावे किते डूब के मर जा। तेरा पेटा भर जा।
शर्म करो मौसी ना बीज बिगन के बोवे पूरण मल की जात बिगड़ जा इस रस दिन ना बोवे कुछ तो शर्म की शर्म करे बीज बिगन के बोवे पूरण मल की जात बिगड़ जा इस रस दिन ना बोवे तेरे कहर जिगर कामत न्या नहीं शर्मावे मेरा हाथ छोड़ दे मोसी मत ना पाप कमावे ओ मीठी मीठी बात करे तू मती नहीं शर्मावे मेरा हाथ छोड़ दे मोसी मत ना पाप कमावे तेरे बुरजट आड़ा तन समझावे तेरा बेटा